हमारे मैच ऑफिशियल्स, हमारे मैच अंपायर सोनू सर, संजीव दुबे मैन फ्रॉम टीम फ्रेंड्स मलाड, हमारे लेग अंपायर उज्जवल सिंह जॉन्टी, एसपीएल सीजन 4 का ये पहला सेमीफाइनल डीएसपी बॉयज विरुद्ध मंच 11, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने क्वालिफाई किया है इस सेमीफाइनल के लिए। बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज, और मंच 11 की तरफ से लेके आएंगे पहली ओवर विनोद यादव। हेलो हेलो, स्पीकर के पास में जो खड़े वहां से थोड़ा साइड हो जाए। राजा स्कोरर, स्पीकर के बाजू में जो खड़े उनको साइड होने बोलो, रेंज नहीं आ रही है माइक की। एसपीएल सीजन 4 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, मंच 11 की तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं विनोद यादव, और उनको स्ट्राइक लेते हुए डीएसपी बॉयज के पिंटिया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है ये। सेमीफाइनल की ये ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए विनोद यादव, उन्हें फेस करेंगे पिंटिया। पहली बॉल और बहुत ही अच्छी कीपिंग, और ये व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर्स। बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे नितिन पटेल के द्वारा। खेल दिया है इसे, और गेंद पे आते हुए प्लेयर, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन एक बॉल दो रन। एसपीएल सीजन 4 का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला, स्ट्राइक लेते हुए विकास डीएसपी बॉयज की तरफ से। खेलने का प्रयास, और ये लेग बाय के स्वरूप एक रन और दो बॉल तीन रन। दो बॉल तीन रन, सेमीफाइनल का यह पहला मुकाबला। तीसरी गेंद लेके आते हुए विनोद यादव, स्ट्राइक लेते हुए पिंटिया। बहुत ही अच्छा खेल दिया है इससे ऑफ दिशा की तरफ, गेंद पे आते हुए हमारे अक्षय छिंदरकर। तीन बॉल चार रन, बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए मैच पे पकड़ बनाए रखी है यहाँ पे मंच 11 के गेंदबाज विनोद यादव ने। तीन बॉल चार रन, अब तक एक सटीक गेंदबाजी सटीक टप्पे से मैच पे पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखी है मंच 11 ने। चौथी गेंद लेके आते हुए विनोद यादव, और ये बहुत ही बेहतरीन ऑफ ब्रेक और बोल्ड हुर्र हमारे बीच रोहित पगला। हमारे श्याम श्याम जी के बेटे संजय जायसवाल उर्फ यमराज, जो इस लीग में नहीं खेल रहे हैं। चार बॉल चार रन, एक बहुत ही बेहतरीन यहां पे ऑफ ब्रेक से विकास को आउट किया है विनोद यादव ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक अपनी टीम के लिए विनोद यादव। ओवर की पांचवी गेंद लेके आते हुए स्ट्राइक लेते हुए विकास पटेल। आईपीएल कमिश्नर का फोन आते हुए संजीव दुबे जी को। अगली गेंद फिर से एक ऑफ ब्रेक, और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पांच बॉल पांच रन, चार ओवरों का ये मुकाबला, एसपीएल सीजन 4 का ये पहला सेमीफाइनल। एलिमिनेटर मैच होता हुआ ये पहला ओवर प्रगति पर, पांच बॉल पांच रन,
पहला एलिमिनेटर टॉप की ये दो टीमें खेलते हुए डीएसपी बॉयज विरुद्ध मंच 11। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेके आते हुए विनोद यादव स्ट्राइक लेते हुए स्टार प्लेयर पिंटिया। एक और ऑफ ब्रेक और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 6 बॉल 6 रन। ओवर की समाप्ति, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पे विनोद यादव के द्वारा। रेंज नहीं पकड़ रहे। हेलो हेलो हेलो, अरे चंद्रिका, अरे दीपक कलाल, हेलो हेलो। दूसरी ओवर लेके आते हुए मंच 11 के गेंदबाज बंटी, कीपिंग करते हुए विनोद यादव। एक ओवर की समाप्ति पे रनों की संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, दिशा से भटकते हुए यहां पे बंटी, 7 रन 1 ओवर। अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग अक्षय छिंदरकर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। एक एसपीएल सीजन 4 का ये पहला एलिमिनेटर मुकाबला, डीएसपी बॉयज विरुद्ध मंच 11। एक ओवर 1 बॉल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद स्ट्राइक लेते हुए विकास पटेल, बहुत ही बेहतरीन शॉट और चौका। बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ द डे। एक ओवर 2 बॉल 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छे इस चौके के साथ में अपनी टीम को मजबूती देते हुए विकास पटेल। प्यारे माजिद भाई का यहाँ पे आगमन हो चुका है, कृपया करके उन्होंने स्टेज पे आ जाइए। ओवर की तीसरी गेंद, हम लोग माजिद भाई का स्वागत करते हैं। स्वीप खेलने का प्रयास और गेंद पे आते हुए हमारे लेबो। एक ओवर 3 बॉल रनों की संख्या 13 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेते हुए पिंटिया, चौथी गेंद और ये खेल दिया हर गेंद पे आते हुए यादव अन्ना। एक ओवर 4 बॉल रनों की संख्या 14 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए एक पहला एलिमिनेटर मुकाबला एसपीएल सीजन 4 का। 5वीं गेंद लेके आते हुए बंटी, स्ट्राइक लेते हुए विकास पटेल, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास और 1 रन। एक ओवर 5 बॉल रनों की संख्या 15 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेते हुए पिंटिया, देखना है कि आखिरी गेंद पे आगे बढ़ के अपनी टीम को बढ़त दिलाते हैं या फिर सेंसिबल तरीके से सिंगल लेके मैच में बने रहते हैं। अगली गेंद और ये खेल दिया है और अच्छी फील्डिंग वहां पे अक्षय छिंदरकर के द्वारा, बहुत ही अच्छा बैकअप। 2 ओवरों की समाप्ति पे रनों की संख्या 16 1 विकेट के नुकसान पर। पहला एलिमिनेटर मुकाबला ये एसपीएल सीजन 4 का। कृपया आपल्या मेन मॅचेस चालू झाल्या आहेत, मागे जी गर्दी आहे ती कृपया कमी करावी, आपल्याला काही मगजमारी पाहिजे नाहीये। पाटी जेवढे प्लेयर बसले आहेत कृपया मैदानाच्या बाहेर या। चंद्रिका पाल, तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना, शेवटचे काही मॅचेस राहिले आहेत, आपल्याला काहीच मगजमारी करायची नाहीये, सगळ्यांसाठी सामना इम्पॉर्टंट आहे। सोनू सर बॉलर, मी तुम्हाला विनंती करतोय सगळ्यांनी मैदानाच्या बाहेर यावं। सोनू सर मी तुम्हाला विनंती करतोय, तिकडे पाय, फक्त दोन अंपायर राहतील, बाकी सगळेजण बाहेर या। मी तुम्हाला विनंती करतोय, खूप महत्वाचा असे सामना आता चालू आहे।
कोणालाच अडचण आपल्याला द्यायची नाही. दोन अंपायर राहतील फक्त, बाकी सगळ्या जणांनी कृपया बाहेर जावे. और ये ऑफ ब्रेक और बहुत मिस हिट. कोणी उठलं नाहीये. प्लीज तुम्हाला विनंती करतोय की मॅचच्या बाहेर एक मिनिट बॉल बॉल टाकू नका. खूप इम्पॉर्टंट मॅच चालू आहे. मागे काय मगजमारी पाहिजे नाही. खूप प्लेयर आतमध्ये बसलेले आहेत. सगळे राहुल पॅरो पडले ना. अंपायर प्लीज तुम्ही लक्ष द्यावे. फक्त दोन अंपायर, बाकी सगळ्या जणांनी प्लीज बाहेर यावे. तुम्हाला विनंती करतोय. एक रन तर अभि डॉट बॉल. ओके दो ओवर एक बॉल. रनों की संख्या 16 एक विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद रिवर्स शॉट और ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यादव अन्ना के द्वारा. इस उम्र में भी बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए अपने अच्छे क्षेत्र रक्षण से इस मैच पे पकड़ बनाए रखी है मंस इलेवन के प्लेयरों ने. दो ओवर दो बॉल. रनों की संख्या 17. बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं यहाँ पे यादव अन्ना. रोहित पगला एक्चुअल आगे बढ़ के खेलने का प्रयास. अंपायर का इशारा नो बॉल. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 1+1. लाइव में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है. दो ओवर दो बॉल. दो ओवर दो बॉल. रनों की संख्या 19 एक विकेट के नुकसान पर. एसपीएल सीजन 4 का ये पहला एलिमिनेटर. अगली गेंद स्ट्राइक लेते हैं पिंटिया. आगे बढ़ के खेलने का प्रयास और ये मिस जज, जिसके फलस्वरूप 4 रन ऐड होते हुए. दो ओवर तीन बॉल. रनों की संख्या 23. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पिंटा के द्वारा. अगली गेंद आगे बढ़ के खेलने का प्रयास और बोल्ड. अरे मागुर उठा ना. हेलो पीछे से उठ जाइए कृपया करके. मेन मैच है ना. दो ओवर चार बॉल. रनों की संख्या 23. बहुत ही बड़ा विकेट. और यहां पे अगले बल्लेबाज आते हुए प्रभात, हमारे कीपर विनोद यादव के लोकल ग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये बल्लेबाज. हार्ड हिटर हैं. बहुत ही तगड़े तगड़े कारपेट शॉट मारते हैं सर्कल मैचों में. दो ओवर चार बॉल. रनों की संख्या 23. दो ओवर चार बॉल. रनों की संख्या 23. स्ट्राइक लेते हुए अब नए बल्लेबाज प्रभात. एसपीएल सीजन 4 का यह पहला एलिमिनेटर मुकाबला. डीएसपी बॉयज विरुद्ध मंश 11. जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए. वी हैव अ टाइम लिमिट. आगे बढ़ के खेलने का प्रयास. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यहां पे. दो ओवर पांच बॉल. रनों की संख्या 24. दो विकेट के नुकसान पर. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके आते हुए गेंदबाज. दो ओवर पांच बॉल 24 रन. दो विकेट के नुकसान पर. फील्डिंग में तब्दीली. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद. अंपायर का इशारा नो बॉल. और ये देखना होगा अंपायर डिसीजन. दो ओवर पांच बॉल 26 रन. नो पे ये एक रन प्लस आया है. दो ओवर पांच बॉल 26 रन. दो विकेट के नुकसान पर. टाइट फील्डिंग. अगली बॉल स्ट्राइक लेते प्रभात.
आगे बढ़ के मार दिया और ये बिग 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 षटकार। तीन ओवरों की समाप्ति पे रनों की संख्या 26, तीन विकेट के नुकसान पर। और अगली ओवर लेके आते हुए स्टार बॉलर ऑफ द ग्राउंड यादव अन्ना, जिन्होंने एक अच्छे क्रूशियल मैच में 6 बॉल 8 पे उस मैच को मैच में अपनी अच्छी गेंदबाजी से मैच में जीत दिलाई थी। 2 लगातार मैचों में अपने अच्छे परफॉर्मेंस से तीन ओवर रनों की संख्या 26, एसपीएल सीजन 4 का ये पहला एलिमिनेटर मुकाबला। अगले बल्लेबाज शैलेश, इस पारी की आखिरी ओवर लेके आते हुए यादव अन्ना, उनको स्ट्राइक लेते हुए विकास पटेल। 3 ओवरों की समाप्ति पर रनों की संख्या 26, 3 विकेट के नुकसान पर। पहली बॉल और बेहतरीन शॉट डायरेक्ट ऑन द बोर्ड, 4 रन। 3 ओवर 1 बॉल 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ये देखना होगा अंपायर कॉल, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहां पे लेबो के द्वारा। 3 ओवर 2 बॉल 31 रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करके यहां पे 3 रन बचाए हैं। अगली गेंद, ओ अच्छा शॉट और यहां पे 1 रन। 3 ओवर 3 बॉल 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे अब है विकास, गेंदबाज यादवेश कोटियन। अगली बॉल खेल दिया है सामने की तरफ, अच्छी गेंदबाजी से कम बैक करते हुए यहां पे 3 ओवर 4 बॉल 33, 33 रन। इस पारी की आखिरी 2 गेंद, देखना है क्या होता है बल्लेबाज शैलेश। और ये एक खराब कीपिंग, जहां पे आप एक विकेट ले सकते थे वहां पे एक खराब कीपिंग इस एलिमिनेटर मुकाबले में। 1-1 रन काफी कीमती है आपको ट्रॉफी की तरफ ले जाने के लिए। आखिरी बॉल इस ओवर की, तीन ओवर चार बॉल 34 रन। पारी की आखिरी गेंद, पहले एलिमिनेटर मुकाबले की पारी की आखिरी गेंद, यादेश कोटियन स्ट्राइक पे विकास। अगली गेंद आगे बढ़ के मार दिया और ये मोमेंटम अपने मैच की तरफ खींचते हुए डीएसपी बॉयज। 4 ओवरों में 39 रनों की जरूरत, 4 ओवरों में 39 रनों की जरूरत यहां पे मंश 11 के बल्लेबाजों को। हेलो हेलो, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए। मैच अमूल लाई है, अमूल लाई है, अमूल घर ही रहा है, तुम्हें पगार न दिला मुझे। जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए। मंश 11 के बल्लेबाज यहां पे क्रीज पे आ चुके हैं, ओपनिंग करने के लिए आए हैं यहां पे विनोद यादव और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाएंगे अक्षय चिंदरकर। Ha ha ha!
चार ओवरों में 39 रनों की जरूरत, 24 गेंदों पे यहाँ पे जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत मंश इलेवन के बल्लेबाजों को। पहली ओवर लेके आएंगे पिंटिया अपने टीम के लिए। एसपीएल सीजन 4 का ये पहला एलिमिनेटर, 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। पहली ओवर लेके आते हुए गेंदबाज पिंटा, स्ट्राइक लेते हुए विनोद यादव। 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत, एसपीएल सीजन 4 का ये पहला एलिमिनेटर मुकाबला। पहली बॉल खेल दिया है और ये 4 रन, बहुत ही बेहतरीन फ्लिक करके इन्होंने 4 रन बटोरे हैं अपनी टीम के लिए। एक बॉल 4 रन, मैच का रुख अपनी तरफ करते हुए अपने बेहतरीन बैटिंग से विनोद यादव। अगली गेंद अंपायर का इशारा, नो बॉल। दिशा से भटकते हुए गेंदबाज पिंटिया ऑफ ब्रेक डालने का प्रयास और एक नो बॉल। एक बॉल 5 रन, एक बॉल 5 रन। दूसरी गेंद लगाते पिंटा, स्ट्राइक लेते विनोद, बहुत ही अच्छा ऑफ ब्रेक और एक डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहां पे विकास के द्वारा। अगली गेंद खेलने का प्रयास ऑफ में, गेंद जाते हुए लेग साइड में। 3 बॉल रनों की संख्या 6, स्ट्राइक लेते हुए अब यहां पे अक्षय चिंदरकर। तीन बॉल 6 रन, स्ट्राइक लेते हुए अक्षय, गेंदबाज पिंटिया। अगली गेंद और ये बहुत ही बड़ा मिस हिट, अगर ये गेंद लग जाती लगभग लगभग 40% आप अपनी झोली में इस मैच को डाल देते। और यहां पे रिस्की रन लेते कंप्लीट करते हुए रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन, 4 बॉल 7 रन। वाइट बॉल, फिर से दिशा से भटकते हुए गेंदबाज पिंटिया। 4 बॉल रनों की संख्या 8, ओवर की 5वीं गेंद और खेल दिया और ये 4 रन, मिस फील्डिंग करते हुए यहां पे 4 रन बटोरते हुए विनोद यादव, बहुत ही बेहतरीन शॉट। 5 बॉल 12 रन। हेलो हेलो हेलो, यहां पे लक फैक्टर मंश 11 की तरफ आते हुए। आखिरी गेंद 1 टू गो, 5 बॉल 12 रन आखिरी गेंद। आखिरी गेंद अच्छी तरीके से गेंद डाल के अपनी ओवर कंप्लीट की। एक ओवर की समाप्ति पे रनों की संख्या 12, अठारह गेंदों में 27 रनों की जरूरत मंश 11 को फाइनल की तरफ ट्रैवल करने के लिए।
18 गेंदों में 27 रन मार के आप उस ट्रॉफी की तरफ जा सकते हैं जो इस एसपीएल सीजन 4 के लिए रखी गई है। गेंदबाज विकास पटेल, बल्लेबाज अक्षय चिंदरकर, एक ओवरों की समाप्ति पे रनों की संख्या 12, 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत यहां पे। अगले मैच का टॉस, अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, ओवर की शुरुआत यहां पे की है अक्षय चिंदरकर ने चौके के साथ। एक ओवर एक बॉल रनों की संख्या 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद लेके आते हुए गेंदबाज विकास, और दिशा से भटकते हुए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी गेंदबाजी में दिख रही है। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पे अक्षय चिंदरकर के द्वारा, एक और एक बॉल 17 रन। अगली गेंद, खेल दिया है इसे लेग साइड में और गेंद पे आते हुए यहां पे, एक ओवर दो बॉल रनों की संख्या 18, 16 गेंदों में 21 रनों की जरूरत मंच 11 को। पहला एलिमिनेटर मुकाबला ये एसपीएल सीजन 4 का। तीसरी गेंद लेके आते विकास, स्ट्राइक लेते विनोद यादव, बेहतरीन शॉट और अंपायर का इशारा, 1 रन। बहुत ही बड़ा बैड लक, ये बहुत ही माइनर। रनों की संख्या 19। अगली गेंद, दिशा से भटकते हुए, बीस रन। अगली गेंद, एक और 4 बॉल 20 रन, एक और 4 बॉल रनों की संख्या 20। अगली गेंद, खेल दिया सामने की तरफ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पे। एक ओवर 5 बॉल रनों की संख्या 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, स्ट्राइक लेते हुए अक्षय। आगे बढ़ के खेल दिया है और ये 4 रन। मिस फील्डिंग के फलस्वरूप यहां पे 4 रन ऐड होते हुए यहां पे मंच 11 के खाते में। अगले मैच का टॉस, युवराज, युवराज अगले मैच का टॉस उड़ाए। हमारे बीच में ओरम के जाने माने ऑलराउंडर, मैन फ्रॉम सोलापुर, पवन झा, इनका हार्दिक स्वागत। वेल नोन पर्सनैलिटी इन द टेनिस क्रिकेट, लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन, अपने काम की वजह से भोपाल में 20 लाख खेले नहीं जा पाए हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेते गेंदबाज नानू, स्ट्राइक पे विनोद, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास और ये डॉट बॉल। तीन ओवर एक बॉल 25। आगे बढ़ के खेल दिया और ये कैच, एडवोकेट कैलास साहब ने खूब सुंदर असा झेल घेतलेला है आणि खूप मोठा विकेट आहे हा। ऍडव्होकेट कैलास साहेब खूप छान झेल घेतलेला आहे तुम्ही। कॅचेस विन मॅचेस। दो ओवर दो बॉल रनों की संख्या 25। अगले बल्लेबाज लेबो, दो
श्याम जी के बेटे यमराज, तीसरी गेंद लेकर आते हैं नानू, स्ट्राइक लेते हुए अक्षय। अब तक दो अच्छे परफेक्ट चौके लगा चुके हैं। अगली गेंद लेकर आते हैं नानू, स्ट्राइक पे अक्षय, आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, और ये एक रन, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्ट्राइक लेते हुए यहां पे इस ग्राउंड के ऑलराउंडर बल्लेबाज लेबो चंदू, नौ गेंदों में 13 रनों की जरूरत। एसपीएल सीजन 4 का ये पहला, हेलो हरे, वहां से हट जाओ माइक से, रेंज नहीं पकड़ेगा। अगली गेंद, और ये पैडल खेलने का प्रयास, और एक रन। आठ बॉल पे 12 रनों की जरूरत, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे अक्षय चिंदरकर। अगली गेंद, आठ बॉल 12 रन, बेहतरीन शॉट, 4 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे अक्षय चिंदरकर के द्वारा। सात बॉल 8 रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अक्षय चिंदरकर। बहुत ही बड़ा टास्क इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद ऐसी बल्लेबाजी करना। अगली गेंद, आगे बढ़ के खेल दिया है, 6 गेंदों में अब 7 रनों की जरूरत, लगभग अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले की तरफ ले आ चुके हैं अक्षय चिंदरकर अपने बेहतरीन 4 चौकों से। हमारे बीच पवन झा, परसों के भोपाल में हो रहे 20 लाख के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपना नाम इन्होंने किया है पूरे महाराष्ट्र में। 6 गेंदों में 6 षटकार लगाने वाले बल्लेबाज पवन झा, 6 गेंदों में 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज पवन झा। पैर ऊपर झोंडी, छह गेंदों में सात रन। एसपीएल सीजन 4 का पहला एलिमिनेटर, पहली गेंद, आगे बढ़ के खेल दिया, अंपायर का इशारा, देखना होगा, नो बॉल। छह गेंदों में 5 रन, बहुत ही बेहतरीन अपने फ्रंट फुट बैटिंग से अक्षय चिंदरकर ने लगभग अपनी झोली में इस मैच को डाल दिया है। 6 गेंद 5 रन, स्ट्राइक लेते हुए लेबो, आगे बढ़ के खेल दिया, और बिग सटकार।
कोई बात नहीं, होता है होता है। पांच बॉल पांच रन, चौके वाला बोलता वैसे, कोई बात नहीं। पांच बॉल पांच रन, अगली गेंद, आगे बढ़ के बिग 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 सटकार राहुल और यहाँ पे लगभग हर बॉल पे सिंगल सिंगल भी अगर आप खेलते हैं तो मैच को अपनी झोली में डाल सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे मन सिलन के बल्लेबाजों को, उन्हें कोई बताए कि सिर्फ पर्दे के नीचे ही चार रन है, बाहर मारेंगे तो आप आउट हैं। चार गेंदों में पांच रनों की जरूरत, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बहुत ही खराब डिसीजन यहाँ पे मन सिलन का। अगर ये मैच वो हारते हैं तो अपनी गलतियों से हारते हैं। अभी तक पूरा पूरा लक फैक्टर पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनके फेवर में, उनकी झोली में था, लेकिन उस लक फैक्टर को अपनी खराब बल्लेबाजी से खराब करते हुए मंश इलेवन अगले बल्लेबाज आए हैं। बंटी एक सेंसिबल बल्लेबाज है ये, चार गेंदों में पांच रनों की जरूरत, एसपीएल सीजन चार का पहला लिमिटर। अगली बॉल, अंपायर का इशारा, आउट। कल बाउंड्री टूर्नामेंट में जहां तक तीन गेंदों में अगर आपको पांच रन चाहिए तो लगभग लगभग आपको एक चौका तो लगाना ही होगा। अगले बल्लेबाज आए यहां पे यादव अन्ना, द मैजिकल पर्सन इन दिस ग्राउंड, द मैजिकल पर्सन इन द कुरार विलेज मलाड ईस्ट, और यहां पे हैट्रिक, एसपीएल सीजन चार की पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज, तीन बॉल पांच रन, द मैजिकल पर्सन ऑन द स्ट्राइक। Let's see what is going to be happen. तीन गेंदों में पांच रनों की जरूरत, तीन गेंदों में पांच रनों की जरूरत, मैजिकल पर्सन ऑन द स्ट्राइक। पहला एलिमिनेटर मुकाबला एसपीएल सीजन चार का, तीन गेंद पांच रन, और ये एक रन, एक रन, एक रन, एक हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पे, एक रन बहुत ही बेहतरीन कनेक्ट किया था यहाँ पे यादवेश कोटियन जी ने। दो गेंदों में यहाँ पे अब चार रनों की जरूरत, और इन्हें पता है कि अगर ये सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी करते थे तो हर गेंदों पे इन्हें एक रन लेने थे, लेकिन अपनी खराब बल्लेबाजी से इन्होंने मैच की स्थिति इस कदर ला दी है कि अब इन्हें चौका ही मारना है। कोई बात नहीं, मारो मारो, महाकाल से मारो, महाकाल से जाएगा, मारो, हाथ लगा। दो गेंदों में चार रनों की जरूरत, यादवेश कोटियन ऑन द स्ट्राइक, द मैजिकल पर्सन ऑफ द ग्राउंड। दो गेंद चार रन, एसपीएल सीजन चार का ये पहला एलिमिनेटर मुकाबला, देखना है क्या होता है। अगली गेंदबाज, प्रेशर बिल्ड करते हुए यहां पे पिंटा, एक्सपीरियंस अपना झोंकते हुए, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर अपना एक्सपीरियंस झोल रहे हैं। दो गेंद चार रन, देखना है क्या होता है। स्ट्राइक पे यादवेश कोटियन, अगली गेंद आगे बढ़ के मार दिया है, और ये चार रन, लक फैक्टर यहां पे, जिसे कहते हैं लक फैक्टर। पहली टीम यहां पे एसपीएल सीजन चार में प्रवेश करने वाली मंस, नाउ यू कैन सेलिब्रेट गाइस। बेहतरीन बल्लेबाज।